हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्टफ पालक पनीर पराठा। सबसे पहले एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रखेंगे और जैसे ही पानी गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे 200 ग्राम साफ किए हुए पालक के पत्ते। 2-3 मिनट बाद इनको निकालकर ठंडे पानी में डाल देते हैं। अब इसकी प्यूरी बना लेंगे। इसमें डाल देंगे एक हरी मिर्च, 4 कली लहसुन और आधा चम्मच कसूरी मेथी। अब लेंगे 2 कप गेहूं का आटा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच घी और पालक की प्यूरी डालकर अच्छा सा डो लगा लेंगे। अब एक फ्राई पैन लिया है जिसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल। जब तेल गरम हो जाए तब डाल देंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच क्रश किया हुआ अदरक, साथ ही डाल देंगे 1 चॉप किया हुआ प्याज। अब इसमें डाल देंगे भुने जीरे का पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच चाट मसाला और अब पनीर डालकर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हमारी स्टफिंग तैयार है, इसे ठंडा कर लेंगे। अब हम डो से लोई बना लेंगे और इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। अब इसके बीच में रखेंगे स्टफिंग और हम पॉकेट पराठा बना रहे हैं इसलिए इसको स्क्वायर शेप में मोड़ लेंगे। और फिर सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। अब गरम तवे पे इसको डाल देंगे और जब ये एक तरफ से सिक जाए तो पलटकर दूसरी तरफ से घी लगाकर अच्छी तरह सेक लेते हैं। ये हमारा पराठा सिककर तैयार है। इसी प्रकार तैयार कर लेंगे हम सारे पराठे। इसे अब हम सर्व करेंगे दही और अचार के साथ। आप भी ये पराठा बनाएं और कमेंट करके बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।